नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम पेस है। 16 अगस्त की आज की तमाम बड़ी खबरें। सबसे पहले बात कर लेते हैं राजस्थान की सबसे बड़ी और अहम खबर की। आपको बता दें कि राजस्थान के इतिहास में पहली बार धौलपुर जंक्शन से बांग्लादेश के दर्शना स्टेशन के लिए रवाना हुई ट्रेन। कोलकाता की कंपनी ने दिया 60 लाख रुपए का किराया। उत्तर मध्य रेलवे के राजस्थान के एकमात्र धौलपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर नया इतिहास लिखा गया है। धौलपुर रेलवे स्टेशन से बांग्लादेश के दर्शना स्टेशन के लिए एक मालगाड़ी रवाना की गई है। कोलकाता की निजी कंपनी बीके उद्योग लिमिटेड द्वारा ओइकल्ट केग यानी पशुओं का खल से भरे 42 वैगन कार को बांग्लादेश रवाना किया गया है। वहीं अगली बड़ी लेटेस्ट खबर की बात करें तो आपको बता दें कि राजस्थान विधानसभा के मानसून सत्र की तैयारी आरंभ। सितंबर के पहले पखवाड़े में बुलाया जा सकता है सत्र। राजस्थान विधानसभा का आगामी मानसून सत्र सितंबर के पहले पखवाड़े में शुरू हो जाएगा। सरकार और संसदीय कार्य विभाग की ओर से इसकी तैयारी भी शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि माना जा रहा है कि 6 जिलों में होने वाले पंचायत राज चुनाव के बाद संभवतः 9 सितंबर को यह सत्र आहूत किया जा सकता है। हालांकि राजभवन के स्तर पर आगामी सत्र की तारीख का ऐलान होना अभी शेष है। वहीं अगली बड़ी लेटेस्ट खबर की बात करें तो आपको बता दें कि राजस्थान कोरोना अपडेट को लेकर बड़ी खबर। राजस्थान कोरोना अपडेट, 18 नए मामले आए सामने। एक्टिव केस की संख्या 213, 28 जिलों में एक भी संक्रमित नहीं है। प्रदेश में रविवार को कोविड-19 संक्रमण के 18 नए केस दर्ज किए गए हैं। वहीं बीते 24 घंटों में प्रदेश में कोविड-19 संक्रमण से एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है। प्रदेश में अब तक इस बीमारी से 8,955 मरीज दम तोड़ चुके हैं। अगली बड़ी लेटेस्ट खबर की बात करें तो आपको बता दें कि सीएम अशोक गहलोत तो क्वारंटाइन से आजाद हो गए, लेकिन कांग्रेस अंत कलह से कब आजाद होगी इसकी गारंटी नहीं। सतीश पूनिया, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने रविवार को भाजपा मुख्यालय में झंडारोहण किया। इसके बाद उन्होंने सीएम अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा कि स्वतंत्रता दिवस पर सीएम अशोक गहलोत क्वारंटाइन से आजाद तो हो गए, लेकिन उनकी पार्टी अंत कलह से कब आजाद होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। इतना ही नहीं, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने भी मुख्यमंत्री पर तीखा प्रहार किया है। अगली बड़ी लेटेस्ट खबर की बात करें तो आपको बता दें कि आज है सावन का सौता सोमवार। शिवालयों में होंगे अभिषेक पूजन। सावन के अंतिम सोमवार पर शिवालयों में रुद्राभिषेक पूजन के दौर चलेंगे। अगली बड़ी लेटेस्ट खबर की बात करें तो आपको बता दें कि आखिरी वक्त पर खोलेगी पत्ते कांग्रेस की टिकटों का इंतजार। राजस्थान पंचायत राज इलेक्शन को लेकर बड़ी खबर। राजस्थान पंचायत राज चुनाव में टिकट की आस ने गांव के नेताओं की नींद उड़ा रखी है। जयपुर का बीजेपी कार्यालय नेताओं के साथ समर्थकों से अटा हुआ है। सोमवार को पहले दौर के नामांकन की आखिरी तारीख है। एन वक्त तक टिकट हासिल नहीं करने के लिए समर्थकों ने एडी शॉट का जोर लगा दिया है। इसी दौरान कईयों के सब्र का बांध भी टूटता दिखाई दे रहा है। सह जिला परिषद और 78 पंचायत समितियों के लिए होने वाले चुनाव में बीजेपी आखिरी वक्त तक पत्ते खोलेगी। माना जा रहा है कि पार्टी उम्मीदवारों की घोषणा उन्हीं की करेगी जहां उसे भीतरघात का खतरा नहीं है। वहीं अगली बड़ी लेटेस्ट खबर की बात करें तो आपको बता दें कि कार में गुप्त बॉक्स बनाकर रखा था 26 किलो गांजा। महाराष्ट्र से भीलवाड़ा की ओर गांजा ले जा रहे थे 3 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले से बड़ी और अहम खबर है। आपको बता दें कि जिले के निंबोहड़ा पुलिस ने एक कार्रवाई करते हुए 26 किलो से ज्यादा गांजा जब्त कर 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। 3 आरोपी महाराष्ट्र से गांजा खरीद कर भीलवाड़ा जाने वाले थे और वहीं ऊंचे दामों में बेचने वाले थे। ऐसे में 20 में ही पुलिस ने पकड़ लिया है। वहीं अगली बड़ी लेटेस्ट खबर की बात करें तो आपको बता दें कि राजस्थान की राजधानी जयपुर से बड़ी खबर है। तेज रफ्तार बस ने सड़क पार कर रही गर्भवती महिला को कुचला, दर्दनाक मौत। जयपुर के जालपुरा थाना इलाके में सड़क पार करते वक्त एक गर्भवती महिला सहित उनके पेट में पल रहे बच्चे की मौत हो गई है। हादसे के बाद चालक मौके से फरार भी हो गया है। ये थी राजस्थान की आज की तमाम बड़ी खबरें। मिलते हैं नई तमाम काम की खबरों के साथ। तब तक बने रहिए आपके और अपने चैनल द सुगम के साथ।